दोस्तों दाने का साइज देखो, ये मैं अभी डोरी लगाई है सिर्फ, ये देखें VIP साइज दाने का, एंड हो गया है एंड भाई। अभी पहला दाना है ये और लड्डू पेड़ा है, देखें साइज देखें इसका, गेंद है गेंद माशाल्लाह। तो रखते हैं इसको थैले के अंदर भाई और फिर आपको दिखाते हैं आगे इंशाल्लाह। और भाई अपन कोलाची पहुंच चुके हैं अभी हम, और ये देखें हम अपनी पॉइंट पर जा रहे हैं, यहाँ गए हम अपनी जगह पर जागीर में। आज तो भाई रक्षा आया हुआ कोई, चलते हैं भाई आटा बनाते हैं। भैया आटा हमारा तैयार हो चुका है और हमारे कुछ साथी आए हुए हैं दोस्त हमारे। हाँ भाई वीडियो देख कर आए हो? बिल्कुल वीडियो देख के आए शकील भाई। अच्छा और माशाल्लाह बड़ी VIP रिपोर्ट सही। और ये दोस्त भी आए हुए हैं, कहाँ से आए हो सही? लियारी। अच्छा लड्डू पड़े निकालने आज। अच्छा लड्डू पड़े काम की छुट्टी भी है खास आपसे मिलने के लिए। अच्छा हम आपके बहुत बड़े फैन है इसलिए आज हमने छुट्टी दी है काम की और यहाँ पर आए। जी हाँ। हमारा भी यही सीन है, काम धंधे को छोड़ के डायरेक्ट यहाँ आ गए। भाई काम नहीं छोड़ो फिर लोग मेरे को बोलेंगे तुम्हारे काम से जल्दी छुट्टी लेके 4 बजे से बैठे हुए थे हम तीनों भाई। अच्छा हमने कहीं ना कहीं शकील भाई मिलेंगे। अच्छा ये शकील भाई ने कहा था या तो शाम में लगता है मच्छी या तो फिर रात में लगता है, सही सही। इसीलिए हमने कहा शायद शाम में आए हुए, मौसम अच्छा है, सही सही। आप थे नहीं, इंतजार कर करके अभी जाने वाले थे, पर ये तो शुक्र है भाई ने देख लिया तो बोला ये शकील भाई जा रहे हैं तो अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। अच्छा आपसे हम सीखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये भी आए हैं हमारे दोस्त, क्या नाम है सर? बाबर नाम। बाबर भाई आए हुए हैं माशाल्लाह, दोनों बच्चे में ये दोनों बेटों के साथ आए हुए अपने। और भाई कब से आए हुए हैं आप शिकार पे? तकरीबन 4 बजे से ना। दिन की क्या पोजीशन थी जरा बताओ? दिन की पानी खराब है शकील भाई। अच्छा मछली नहीं थी? हाँ मछली नहीं थी, कोई मछली का सही शिकार परसों जो हुआ था ना वो चीज़ नहीं थी। अच्छा पानी में बहुत तेजी भी थी और ऊपर से पानी का कलर भी चेंज हुआ है बिल्कुल। और आपने क्या मारा भाई? दंदिये लगे छोटे छोटे। अच्छा सही सही। तो ये भाई आए हुए हैं, दो शिकारी हैं और ये भाई भी आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से आए आप? शकील भाई हम तो हैदराबाद से आए आपके लिए। हैदराबाद से? क्या कह रहे हो, पक्की बात है? पक्की बात है। ओहो हो उनके साथ दिखाएंगे आपको। अच्छा भाई आपके वीडियो देखने वाले शायद यकीन ना करें। सही सही। नहीं नहीं प्रूफ के साथ आप फैमिली भी लेकर आए हुए मैंने देखा। फैमिली भी है वो बेटी भी भाई, यहाँ पूरी फैमिली भी है, बस मैं आपको दिखा नहीं सकता, ही देखो फैमिली है पूरी। और ये हमारे भाई, क्या नाम है भाई आपका? आसिफ भाई हैदराबाद से आए माशाल्लाह भाई, ज़बरदस्त। बस आपसे मिलने का जो है ना जिंदा आपको देखने का बस शौक था कि दिल में ख्वाहिश थी कि जिंदा देख लो, वीडियो में तो बहुत देखा भाई। बोई पे गिस्सर मारे। अच्छा बोई पे गिस्सर आया भाई, देख लो गिस्सर की रिपोर्ट भी आई हुई दो दरिया पे, जैसा कि आपने मेरा देखा होगा गिस्सर के पीछे गिस्सर आया था। हैं वीडियो कैसी थी यार? हाँ क्या सीन हुआ था, पकड़ भी लेता तो निकल जाता, थोड़ी जोर इतना ज्यादा था। हाँ, सही सही। और ये हमारे आसिफ भाई हैदराबाद से आए थे भाई, क्या कहेंगे भाई? भाई ड्रीम गाई है समझ लेंगे आपसे मिलने का। अच्छा और वो उधर ने मेरे जो है ना ये ड्रीम मेरा पूरा कर दिया। नहीं नहीं यार आसिफ भाई साथ फिशिंग भी करेंगे। ठीक है मेरे को, मैं इजहार कर नहीं सकता कि मेरे को कितनी खुशी है। नहीं नहीं भाई हमारे यार हैदराबाद वाले सारे हमारे भाई हैं, बयान नहीं हो सकती खुशी का आलम है। नहीं नहीं माशाल्लाह भाई, ये आसिफ भाई की मोहब्बत है जो हमें मिले हमसे और खुश हुए, अल्लाह की दीवी इज्जत है माशाल्लाह भाई। आपकी अच्छाई ये है कि हमने कितनी वीडियो देखी और कितनों भी देखी हैं, पर लेकिन हकीकत बात ये है कि आप जो है ना कांटों से लेके दुकानों से लेके कांटों से लेके घरों से लेके और यहाँ तक
बहुत साथ देते हैं। और मेरा जो ये शिकार का जो शौक है ना, वो यकीन मानोगे आपको देखते हो। सही है भाई, आपने डोरे बांधना सीखा ही वीडियो आपकी डोरे बांधने की। और ये बताओ, ये और शौकों से कैसा शौक है? बेहतरीन है? नहीं बेहतरीन है, बेहतरीन। गलत शौकों से लग जाते हैं और दूसरे शौक कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ उससे ये अच्छा है अपनी फैमिली को लिया। सही सही, माइंड फ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ही खत्म भाई। लगे नहीं लगे नसीब आपका। सही सही, लेकिन एक मंदिर के पास आगे बैठो यार, हमारी हमने की वीडियो कर ली। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी नेमत दी हुई अल्लाह ने हमें कराची वालों को। ये है नहीं है, और वाकई में खुश नसीब है, हकीकत है। चले आसिफ भाई, बहुत खुशी हुई मिलके। इंशाल्लाह फिर फिशिंग चलते हैं, भी लगाएंगे। और ये कुछ दोस्त हमारे आए हुए थे आगरा ताज से। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, सब खैर है। बाकी ये भाई भी आए हुए हैं, देखें क्या नाम है भाई आपका? शिराज भाई, देखें क्या लेकर आए हैं। बेगम ने पेंपर के लिए भेजा था, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए आ गया था। क्या कह रहे हो यार, तो पेंपर लेने के लिए गए थे और तुमने पेंपर ले लिए और फिर यहाँ आ गए? पेंपर लेके सीधा आपके पास आ गए। दिखाओ पेंपर का पैकेट है, पूरा पूरा पैकेट लेने भेजा पेंपर। वाह वाह, तो ये हाल है आपसे मिलके आ। क्या कह रहे हो यार, तो अभी पेंपर लेके घर जाओगे? फिर अभी घर जाएंगे, थोड़ी बातें सुनेंगे बेगम की। अच्छा, क्यों बेगमों से क्यों डरते हैं लोग? पेंपर पेंपर दिखा दिया ना, ये देखो ना, ये बेगमों से क्यों डरते हैं ये यार? बस शकील भाई, आप भी शादी करोगे तो आपको पता चले। भाई जान मेरे तो बच्चे हैं यार। बाकी खैर यार, बड़ी बात है, बेगम ने पेंपर लेने भेजा आपको और आप मेरी वीडियो देख कर यहाँ आ गए। बस यहाँ आ गए आप। अच्छा, और शकील भाई मजे की बात, हमें ये बोल के निकला था आओ पेंपर लेते हैं, फिर चाय वाय पी के फिर घर आते हैं, बारिश का मौसम है, थोड़ा इधर उधर घूमेंगे, हमें तो पता ही नहीं था कि हम दो दरिया आ रहे हैं। जबरदस्त भाई जबरदस्त, एंड हो गया। आगे बहाने हमें दो दरिया लेकर आए और यहाँ आके हमें सरप्राइज दिया कि यार यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, शकील भाई से मुलाकात। अगर शकील भाई दिख गए तो हम उनसे मुलाकात करके जाएंगे, क्योंकि कल हम वीडियो देख रहे थे ना, तो हमारे इसके छोटा भाई है, मेरा कज़न है ना, तो वो बता रहा था हमें कहाँ जाओगे दो दरिया, वो मिलेंगे नहीं, बड़ी पर्सनालिटी है, फेमस बंदे, वो कहाँ किसी से मिलेंगे। नहीं यार भाई, उम्मीद लेके जा रहे हैं, बिल्कुल अगर मिल गए तो मिल जाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल, देखो अल्लाह ने मिलाया, डोरे वोरे लेकर आए पर ये निकले हम पेंपर के लिए। ये पेंपर देखो भाई, ये सीन था और बहुत अच्छा लगा भाई आप लोगों से मिलकर। और फौरन पेंपर लेके घर पहुँचो, नहीं तो कहानी बिगड़ जाएगी। सही है भाई, अभी घर पहुँच रहे हैं। क्या हो गया फिर? एंड हो जाएगा। दोस्तों बारिश हो रही है, दो दरिया पे मौजूद हैं, अभी देख सकते हैं बेग पर, ये देखें बारिश कितनी हो रही है। और ये कि अभी फिशिंग तो बहुत कम हो रही है, हो ही नहीं रही समझने, तो इंशाल्लाह इंतज़ार कर रहे हैं। हवा बहुत ज़्यादा हो गई है, बारिश भी है, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, फिर भी कोशिश करेंगे अच्छी फिशिंग। दोस्तों दाने का साइज़ देखो, ये मैं अभी डोरी लगाई है सिर्फ, ये देखें VIP साइज दाने का, एंड हो गया है एंड। भाई अभी पहला दाना है ये, और लड्डू पेड़ा है, देखें साइज देखें इसका, गेंद है गेंद, माशाल्लाह। तो रखते हैं इसको थैले के अंदर भाई, और फिर आपको दिखाते हैं आगे इंशाल्लाह। और भाई दंडिया लगाए माशाल्लाह, अभी आपको दिखाया एक मैंने VIP सा लड्डू पेड़ा और अभी ये लगाया, एंड हो। भाई मेरे को ऐसा लगा किसी और चीज़ ने पकड़ लिया इसको, दंडिया आई आते आते एकदम रुक वाला मछली ना। लग रहे हैं भाई दंडिये, एंड हो रहा है एंड, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई चार लड्डू पेड़े पकड़ लिए अभी हमने, सही है ना, इंशाल्लाह आपको और दिखाएंगे फिश। अरे ऊपर बैठ कर खेले आता नहीं है, मगर फिर भी है ऊपर बैठ के खेले, रात के तकरीबन 3:30-4 का टाइम है भाई।
पानी के अंदर उतरे हुए। एक भाई आ रहे, ये सीपियाँ निकाल लें, पानी के अंदर चले जाते हैं भाई। ये चश्मा लगाया हुआ है ड्राइवरों की तरह, ये देखें। दोस्तों ये देखें, ये लोकेशन थी भाई हमारी कोलाची होटल के इधर, और ये हमने फ़िशिंग जो करी है वो आपको दिखा देते हैं। ये दंदी है हमारे भाई, शिकार जो है माशाल्लाह हो रहा था सही, मगर ये है कि हवा बहुत ज़्यादा निकल आई और फिर बारिश हो गई थी, तो उसकी वजह से हमने थोड़ा गैप लिया। फिर उसके बाद जो भी शिकार किया ये आपके सामने आज की फ़िशिंग। आज तारीख मेरे ख्याल से है 24 जुलाई 2024।